नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बुक डिपो संचालक के सुसाइड से ठीक पहले का वीडियो। पत्नी से बोला, सूदखोर से परेशान होकर दे रहा हूँ जान, लव यू, अपना ख्याल रखना। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में फांसी लगाकर सुसाइड करने वाले बुक डिपो संचालक की खुदकुशी से ठीक पहले का वीडियो सामने आया है। इसमें वो अपनी बैंकर्मी पत्नी से कह रहा है कि ये लास्ट वीडियो है तुम्हारे लिए, लव यू, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एक आदमी कृष्णा राठौर रामा ग्रीन सिटी में रहता है, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं उसका पूरा पैसा चुका दिया हूँ पर उसने मेरी गाड़ी रख ली है। मुझसे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, मैं कहाँ से लाऊं 3 लाख रुपए। इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, उसको छोड़ना मत, उसे फांसी लगवाना। आज मैं मर रहा हूँ ना, वो भी मरेगा, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी बच्ची है, कीड़ा लगेगा उसको, मरेगा सड़ सड़ के वो। पापा मम्मी का ख्याल रखना, बाबू का ख्याल रखना। मजा आया लाइफ में, तुम्हारे साथ अच्छा लगा, अपना ख्याल रखना, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे मालूम है, लव यू, बाय। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने सूदखोर कृष्णा राठौर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सुमित ने कृष्णा राठौर से कर्ज लिया था, पूरी रकम चुकाने के बाद भी कृष्णा राठौर उससे 3 लाख रुपए की और मांग कर रहा था। कृष्णा राठौर उसकी कार को जबरन उठा ले गया था और उसे अपने नाम करने के लिए दबाव डाल रहा था। इधर वो परिवार वालों से झूठ कह दिया था और बताया था कि उसकी कार सर्विसिंग के लिए गई है। वो कार वापस पाने के लिए कृष्णा राठौर को फोन लगाता रहा, इसकी भी रिकॉर्डिंग आई है, लेकिन फिर भी कृष्णा का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार तंग आकर सुमित को सुसाइड करना पड़ा। सूदखोरी और प्रताड़ना का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कृष्णा राठौर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सुमित के सुसाइड के पहले का वीडियो सामने आने से पहले पिता लल्लन शर्मा को लगा कि कोरोना काल में दुकान बंद होने के कारण बेटे ने ये कदम उठाया होगा।